जय बाबा की। दोस्तों कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ त्रिभुते स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ रहें। वीडियो को पूरा वॉच करें, हमसे जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप अपने पितरों को यानी कि अपने देवताओं को गंगा जी का स्नान कैसे कराते हैं। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि गंगा जी जाते हैं, कहते हैं हम अपने पितरों को नहाने गए थे और आते हैं गंगा जी से वापसी तो अपने देवता को गंगा जी पर ही छोड़ आते हैं। ये बहुत बड़ी दो गलतियाँ करते हो जो कि आपकी पितरों की पूजा सफल नहीं होती है। सफल क्यों नहीं होती है? ये आपकी दो गलती आपको परेशान करके छोड़ देंगे। और आप बताते हो कि बाबा का कमी है, तांत्रिक की कमी है, उसने पूजा नहीं की, लेकिन गंगा तो आप नहाने जा रहे हो ना, उनसे पहले किस तरीके से गंगा स्नान करने गए, कब गए, कौन सा टाइम आपने गंगा का स्नान किया, कौन से दिन किया, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। गंगा एक पितरों को नहाने का एक नियम होता है, रूल होता है। जब अपने देवता को जो गंगा लेकर के जाते हैं तो एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में बता रहा हूँ आपके लिए, जो कि पितृ आपके रूठे हुए होंगे तो आपके घर में बाहर की शक्तियाँ, भूत प्रेत करा धरा हर प्रकार की समस्या नजर आएंगी। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, वीडियो को मिस ना करें जरा सा भी, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है दोस्तों, इसमें घर में अन्य प्रकार की नई नई बीमारियाँ चलती रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, और जांचें भी कराते हैं तो और ज़्यादातर तो जांचें नॉर्मल आती हैं और दवा खाते खाते भी कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इस कंडीशन में आपको बचना है और अपने पितरों को मनाना है। और अब श्राद्ध का महीना आने वाला है दोस्तों, क्योंकि श्राद्ध का महीना आने से एक महीना पहले ही घर के पितृ देव आपको संकेत देना शुरू करते हैं, और संकेत वो किस तरीके के होते हैं वो आपको समझ लेना चाहिए। तो आपको अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना है, आप हमसे शामिल हो जाइए, ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। हम आपके लिए पितरों की पूजा करना, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हम बताते रहते हैं। अगर आपको पितरों की पूजा नहीं आती है तो आप हमसे जुड़िए, हमसे शामिल हो जाइए, हम आपके लिए बताते हैं। और पितरों की पूजा कामयाब होने के बाद में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो जरा सा मिस नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर जाइएगा, हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी जो कि आपके भविष्य में काम आने वाली होंगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप निःशुल्क फ्री इलाज पा सकते हैं घर बैठे, और हम शाम को 9 बजे के बाद रोजाना लाइव आते हैं। लाइव के माध्यम से पता कर सकते हैं दोस्तों आपको क्या समस्या है, क्या नहीं है और उसका समाधान कैसे होगा, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो खिलाया पिलाया जादू टोना किसी प्रकार की गंदी क्रिया आपको खिला करके कर दिया है और झाड़ फूक करवाते करवाते आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा भाई। आपको ये बहुत अच्छा चैनल मिल गया है, आज शायद आपके देवों ने पितरों ने आपकी शक्तियाँ हैं उन्होंने ही इस चैनल से मिलाया है, हमारा वीडियो आपके पास आया है। तो इस वीडियो को मिस ना करें, अच्छे से देखिए और इस चैनल पर जाकर के हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पूरा एड्रेस भी प्राप्त करिएगा। अब बताते हैं दोस्तों अपने बड़े बूढ़े घर के पितरों को कैसे गंगा जी लेकर के जाते हैं। ऐसे नहीं आप गए गंगा जी नहाने के लिए और आपके साथ चल देंगे भाई, वो आपके बुजुर्ग हैं, आपको जन्मदाता भगवान हैं। हमारे सबसे बड़े भगवान वही होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, उनको जन्मदाता भगवान कहा जाता है। और हमारे दादी बाबा, उनसे पहले वाले दादी बाबा, वही हमारे जन्मदाता होते हैं। उनको शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा फर्ज है उनकी सेवा करें, उनको याद करते रहें और उनकी सेवा हम करते रहेंगे तो वो हमारे परिवार में सुख शांति कोई कमी नहीं रहने देंगे। जब वो बिछड़ जाएंगे तो दोस्तों आपको नुकसान क्या होता है, अगर वो हमसे हमारे देवी देवता बिछड़ गए तो नुकसान सबसे बड़ा ये है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे घर में दो लौंग या कुछ भी लेकर के कुछ भी बोल करके फेंक देगा ना, उसका जादू काम करने लग जाएगा। या बाहर की कोई गंदी आत्मा है, प्रेत है, कुछ भी दिक्कत है, कोई घर के बाहर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी आत्मा आपके घर में हैवी हो जाती है, क्योंकि उसको दिखता है इस घर में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, तो इस घर में रहने का अच्छा स्थान वो बना लेते हैं। और आपको पता है, एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ मैं, जब हमारे घर के दरवाजे पर दो कुत्ते बंधे होते हैं तो गली में आने जाने वाले थोड़ा सा घर से साइड होकर चलते हैं, उसको पता है कि इस घर में कुत्ते हैं, वो खतरनाक वाले, वो खा लेंगे, काट लेंगे, भौंकेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जो घर के पितर हैं एक पहरेदार की तरह काम करते हैं दोस्तों, पहरेदार की तरह
उनको मालूम है कि जी हमारे नाती पोते हमारे घर है हमारी फैमिली है और इनके जरिए हमें भोग मिलता है, खाना मिलता है, हमें समय समय से जी सेवा देते हैं, पूजा देते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी सेवा करें, इनका ध्यान रखें। तो ये हमारे घर के पितर काम आते हैं। जब ये पितर रूठ जाते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, मैंने बताई थी आपको। अब इनको खुश रखेंगे, कोई भी आपका शत्रु आपके ऊपर कुछ भी करा दे उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, उसका मंत्र फेल हो जाएगा। कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, जब आपके देवी देवता आपके घर में बैठे हो, पितर घर में बैठे हो ना, कोई भी आपका दुश्मन किसी बाबा के पास जाता है, बाबा करते करते हर जगह एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, उसकी शक्ति फेल हो जाएंगी। उसको क्या, कोई भी ज़्यादा कर रहा तांत्रिक होगा, वो समझदार होगा, पितरों के बारे में जानता होगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके पितरों को बांधेगा, आपके पितरों को लालच में लेके जा कैसे भी बेवकूफ़ बना करके उनको बांधने की कोशिश करेगा। जब जाके उसका मंत्र जादू काम करेगा, उसका टोटका काम करेगा। इस प्रकार से तांत्रिक लोग काम करते हैं अपना, जब किसी घर पर उनको करना होता है तो पहले तो सबसे पहले उनके घर के पितर जो होते हैं देवता होते हैं उनको बांधते हैं, वो लोग उनको बांधते हैं किसी भी चीज़ के माध्यम से या उतारे के माध्यम से बांध देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ फेंक देते हैं जो कि आपके देवता शक्ति घर से निकल जाते हैं बाहर, उसमें गंदी कोई क्रिया होती है। इस प्रकार की कई विधि होती हैं जो कि हमारे घर के देवताओं को बाहर निकालना या उनको घर से घर में बांध देना। जब घर के हमारे पितृ देव बंध जाते हैं तो कोई भी हमारे उनकी शक्ति चलती नहीं है, हाथ बुन के बंध गए तो वो क्या कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में फिर वो सियाने बाबा जो तांत्रिक होते हैं वो अपना काम कर जाते हैं उस कंडीशन में। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए भाई आपको अपने देवों को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, जो कि आप उन शक्तियों का लाभ उठा सकेंगे और आपके घर के आसपास कोई भी तांत्रिक की शक्ति नहीं चलेगी। तो कैसे पावरफुल बनाना है, गंगा जी कैसे जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी मैं ऐसी दूंगा दोस्तों जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी। और मैं पितरों की पूजा भी करता हूँ। हम बात करते हैं, जब हम गंगा नहाने जाते हैं अपने पितरों को लेके जाएंगे, फिर वहाँ से गंगा नहाने जाएंगे, गंगा घाट पर पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से वापसी अपने घर पर देवों को लेकर के जाएंगे, इसका मेन मुख्य कारण क्या है जो कि आपके साथ आपके देव गंगा नहाने नहीं जाते हैं, वो घर से बाहर होते हैं, आप अपने घर में ही क्या करके जाते हैं। तो आपको छोटी सी मैं विधि बताता हूँ, आपके देव आपके पितर इकट्ठे होंगे और आपके साथ गंगा नहाने जाएंगे और गंगा से भी लौट के वापस अपने घर पर ही आएंगे आपके साथ। तो आपको छोटा सा काम करना है जो कि आप अमावस्या के दिन ज़्यादा बेस्ट रहता है अपने पितरों को गंगा नहाना, और ज़्यादा जल्दी होती है तो पूर्णिमासी के दिन भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमावस पूर्णिमा से को अपने एक दिन पहले अपने घर के अंदर एक काम करना है छोटा सा, जैसे कि हमें कल को गंगा स्नान करने जाना है और अपने पितरों को लेकर के जाना है, तो कैसे बाबा लोग बता देते हैं कि आपको 7 गंगा नहानी है या 5 गंगा नहानी है, उसका भी एक नियम होता है, जो वो नियम होता है दोस्तों कि अपने पितरों को अपने देव को गंगा नहाना नहलाना फिर खुद को गंगा नहलाना, ठीक है। उसमें क्या हमको छोटी सी विधि करनी होती है, एक दिन पहले गंगा जाने से पहले 5 तरह की मिष्ठान लेकर के आइएगा, ठीक है, अपने पूजा वाले स्थान पर जो अपने पितरों का स्थान बना रखा है घर पर, ठीक है, वहाँ पर 5 तरह की मिठाई एक दिन पहले रख दीजिएगा। वहाँ पर बोलिए, 2 अगरबत्ती लेकर के बोलिए, हे हमारे पितृ देव, हमारे घर के देव हैं, जो भी हमारे बड़े बूढ़े हैं उनका जो नाम मालूम है, नाम लेकर के बोल सकते हैं, बहुत लोगों को नाम नहीं मालूम है, तो आप हजोर कह सकते हैं, एक हाथ सब साथ, सबको हमारे घर के देव हैं, सबके लिए आमंत्रित है, सबके लिए निमंत्रित है, और ये मैंने मिष्ठान दिए हैं, आज हमारे घर में आइए और मिष्ठान खाइए और कल सबको हमारे साथ गंगा स्नान पर चलना है। इस प्रकार से आपको कह करके उनसे विनती करनी है, उनको याद करना है अच्छे से मिष्ठान रखने के बाद में, और वो आपके पितर जो भी जहाँ इधर उधर होंगे आपके याद करने से और मिष्ठान रखनी है तो वो आपके घर में एकत्रित हो जाएंगे रात भर में दिन भर में। और फिर दूसरे दिन जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो फिर अपनी तैयारी जब करते हैं उनको याद कर लीजिए, फिर दोबारा से सुबह उठ करके अभी जो भी भय बचे हैं एक साथ हो जाना, सभी सबको चलना है। जब वो पोटली आपने मिठाई की रखी है, कपड़े में बांध करके मिठाई रखी है आपने, उस पोटली को उठा करके आपको अपने हाथ में लेना है, या झोले में रखना है, कहना है जो भी हमारे पितर हैं साथ में चलो गंगा जी नहाने, गंगा पर बैठ के जी मिष्ठान में आपको खिलाऊंगा। पोटली खोलनी नहीं है, वो कपड़े में बांध के रखनी है, उसकी खुशबू कपड़े में से आती रहे बस, फिर वो पोटली को उठा करके चलना है, चलो गंगा स्नान पर हम चलने हैं और आपको वहीं खिला करके लाऊंगा। फिर वह पोटली आपको जब तक नहीं खोलनी है
जब तक आप गंगा स्नान नहीं कर लेते हो। गंगा स्नान करिए और साथ डुबकी लगाइए, साथ लोटे, इस तरीके से एक लोटा लेकर के जाएं, जल दीजिए अपने पितरों का नाम लेकर के, फिर उसके बाद गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान करने के बाद पट पर आइए, अगरबत्ती लगाइए, मिष्ठान खोल के रख दीजिए। अब आलो सब लोग हमारे घर के देवी देवता हैं, मिष्ठान खाइए और जो घर की पूरी सब्जी होते हैं वो जरूर बना करके लेकर जाएं दोस्तों, पूरी सब्जी बना करके लेकर जाएं और थोड़ा एक्स्ट्रा बना के लेकर के जाएं, जो कि वहाँ पर जो गाय होती हैं या वहाँ के कुत्ते वगैरह होते हैं वहाँ के, जो और भी ज़्यादा लेकर जाएं तो भंडारे के तौर में आप बांध सकते हैं, कन्या कर सकते हैं और उनका नाम गंगा की तट पर आप दिला सकते हैं। बजाने वाले होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, तो वो आपको अच्छे से करा देंगे। अगर ये विधि आपको नहीं आती है सारा कुछ करना, घर के पितरों को पूजना और गंगा नहलाना, तो आप हम जैसे किसी बाबा से कॉन्टैक्ट करके उनको साथ में लेकर के जाएं, तो आपकी अच्छे से वो पूजा करा देंगे विधि पूर्वक और आपकी कोई समस्या नहीं, आपकी कोई रुकावट नहीं आएगी और आपके घर के पितृ देव हैं जो भी रूठे हुए हैं वो आपको खुश कर करके दे के जाएंगे। तो फिर वहाँ से चलते वक्त आपको फिर वहाँ से गंगा से मिठाई खरीदनी है और गंगा जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेके जाना है, फिर वहाँ से मिठाई जो 5 तरह की वहाँ से खरीदें, कपड़े में बांधें, फिर कहना चलो अब गंगा नहा ले, अब घर पर चलेंगे, घर पर बैठ के खाएंगे मिष्ठान द्वारा, हमारे घर के देवी देवता जो हैं हमारे साथ चलो, ठीक है। जो कि आप गंगा जाते हो, नहाने जाते हो, मुझे पता है जब आपके बच्चे हैं जो भी साथ में जाते हैं सबको लेकर के जाते हो, देखो कोई रहता ना गया, कोई रहता ना गया, इस तरीके से वही क्रिया करनी है, जैसे कि वही क्रिया करनी है जैसे कि आपको मतलब कोई बच्चा रह गया हो या कोई बड़े बूढ़े रह गए, उनको ढूंढना है, आपको कहना है चलो हमने आपके लिए मिष्ठान लिए और आप घर बैठ के खाएंगे और घर पर रहना है हमारे, तो इस प्रकार से ये क्रिया करें और अपने घर पर मिष्ठान लेके आएँ, गंगा जल लेके आएँ, उसके बाद में अपना विधि पूर्वक पूजा पाठ करें और इसी प्रकार से फिर वहाँ पर उनके लिए पूरा पूरा भोग उसी टाइम से वहाँ पर घर पर आपको बता होगा उनकी पूजा किस तरीके से होती है, वह पूजा करनी है आपको। इस प्रकार से गंगा नहाया जाता है दोस्तों। और जो पितरों की पूजा किस तरीके से होती है, मैं पार्ट 2 स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वैसे तो मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, उनमें विधि की नहीं बताया था, लेकिन आज मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जो कि कनागत सराज जो बोलते हैं वो आने वाले हैं और सभी लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दुनिया में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पितर बिछड़ने की और उनके रूठने की समस्या ज़्यादातर लोगों में चल रही है और कुछ लोग हैं बड़े बूढ़े हैं वो मानते हैं और जो पढ़े लिखे जो हमारे आजकल बच्चे आ रहे हैं वो समझते नहीं है बड़े बूढ़े क्या होते हैं क्या नहीं होते। भाई उन्हीं की बदौलत हम इस दुनिया में हैं, वही हमारे जन्मदाता देव हैं, उनसे बड़ा कोई देव नहीं है, हमारा कोई भगवान नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं, उनके लिए आप सोचिए विचार कीजिए, उनको हम खुद अन्न पानी देंगे तो दूसरी दुनिया में जो उन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर मिलेगा, हम नहीं कुछ देंगे तो उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा अगले जन्म में, ये पता होना चाहिए। वही प्राप्त होता है जो कि माँ बापों को वही प्राप्त होता है जन्म में जा करके, जब हमारी औलाद यानी हमारे बच्चे हमारे लिए दान करते हैं, भंडारा करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा के माध्यम से मिष्ठान चढ़ाई जाती हैं, सामग्री चढ़ाई जाती है, वही हमें एक वरदान होता है, हमें प्राप्त होता है। दोस्तों जो क्रिया आपको करनी है और आपको किस तरीके की, मैं कुछ जानकारी भूल गया हूँ, आप और भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।